वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम आए हैं और दोस्तों यहाँ के बारे में बता दूँ, इस जगह का नाम है, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मोती महल। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, और यहाँ पर दफन है दोस्तों एक मोहब्बत की सच्ची दास्तान। हाँ दोस्तों, तो मोती महल का क्या राज है, मोती महल क्यों इसे कहा जाता है, तो चलिए आइए हम जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री इसके बारे में। चलिए चलते हैं। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पे मोती महल का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो आपको अगर इसको पढ़ना हो तो आप इसे रोक कर इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है जो कि थोड़ी सी मिट चुकी है दोस्तों। एनीवे तो चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ पे अंदर, और ये रहा इसका गेट, शानदार सा गेट, और चले गए हम यहाँ से अंदर। देखिए गाइस और बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा दिखेगा इसे, यहाँ पे महल बना हुआ है। दोस्तों इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थर में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छुटी निशानियां। और दोस्तों अगर आपको मैं सच बताऊं ना, तो बुरहानपुर सच में जो लोग इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको दिलचस्पी है, तो उसके लिए बुरहानपुर किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों बुरहानपुर सुंदर ऐतिहासिक इमारतों से भरा पड़ा है, और उन्हीं में से एक खूबसूरत इमारत है मोती महल। दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही अंदर जाएंगे ना, तो आपको देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो है आपको यहाँ पर रोशनदान दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों यहाँ पे ये रोशनदान, और बहुत सारे इसके दरवाजे हैं दोस्तों जाने के लिए। तो सोचिए दोस्तों इस रोशनदान में रात की अंधेरी चांदनी रात में जब इसमें रोशनी चराग जलाए जाते हैं तो ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हुए, है ना। चलिए दोस्तों तो अभी हम इस कक्ष में देखेंगे अंदर जाके कि ये कैसा बना हुआ है, और देखिए दोस्तों कितना शानदार यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब रोशनदान बने हुए हैं, और ये जैसे कि मैंने आपको बोला अंधेरी रात में चरागों के अंदर कितने ये खूबसूरत लगता होगा ये कक्ष। और यहाँ आप ऊपर देखोगे ना गाइस तो आपको जगह चमगादड़ भी दिख रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ से फिलहाल अभी जो है बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए फाइनली अब हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर दफन है एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोती बेगम की। दोस्तों ये जो महल है, मुगल बादशाह शाहजहां ने यह महल अपनी प्रेमिका बेगम यानी कि मोती बेगम के लिए बनवाया था, और दोस्तों कहते हैं कि जो मोती बेगम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी दोस्तों। तो चलिए फाइनली अब हम चले गए मोती बेगम की कब्र पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मोती बेगम की कब्र सामने बनी हुई है और काफ़ी अंधेरा भी है दोस्तों। तो एनीवे चलते हैं दोस्तों, हम टॉर्च मोबाइल की चलाएंगे। और तो दोस्तों ये रही मोती बेगम की कब्र, आप ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा भी है, और अगर मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ तो देखिए ऊपर चमगादड़ बहुत सारी है आप देख सकते हो, और ये देखिए एकदम से यहाँ पर चमगादड़ है दोस्तों। तो चमगादड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर, अगर अभी मैं अंदर गया तो और ज़्यादा जो है बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों। हालांकि हर शासक ने अपने काल में कई स्मारक बनाए, पर वास्तुकला के इतिहास में शाहजहां का एक अलग ही स्थान है दोस्तों। आसिरगढ़ में अपनी प्रेमिका मोती बेगम के लिए शाहजहां ने ये 3 मंजिला महल बनवाया था, और महल के प्रवेश द्वार के साथ कई कमरों का निर्माण किया गया है दोस्तों, जिनके बीच में एक बड़ा सा आंगन है आप देख सकते हो। यहाँ दोस्तों नीचे एक कक्ष और बना है,
तो चलिए अभी हम यहाँ अंदर चलते हैं दोस्तों और देखेंगे कि ये कक्ष कैसा बना हुआ है अंदर। फिर इसके बाद हम जाएंगे इसके सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और प्यारा बना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस दीवारों पे लिख देते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे मतलब जो है इसकी खूबसूरती में दोस्तों मतलब बहुत ही बेकार लगता है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि प्लीज़ आप इस तरह का इस इमारत को ख़राब ना करें दोस्तों। इसकी खूबसूरती इसके अंदर नहीं है कि आप इस पर कुछ नाम लिखो। तो चलते हैं दोस्तों अभी हम बाहर यहाँ से। तो अब चले गए हम इसकी दूसरी मंजिल पे दोस्तों। और ये देखिए ये दूसरी मंजिल पे जाने की यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे संभल कर आइएगा क्योंकि आजू बाजू कोई सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पर हम जा रहे हैं सेकेंड मंजिल पे, सेकेंड फ्लोर पे, और फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर पे यानी कि तीसरी मंजिल पे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा दोस्तों वहाँ से। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। नीचे से दोस्तों इस रास्ते से अभी हम यहाँ ऊपर आए हैं और देखिए एक रास्ता यहाँ पर भी जाता है राइट साइड में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या बना हुआ है। चलिए हम यहाँ चलते हैं। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, कितना प्यारा यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी हम यहाँ से और हम उस साइड जाएंगे दोस्तों हम। चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों आसिरगढ़ से सिर्फ 2 किलोमीटर स्थित ये महल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मोती महल के लिए बनवाया था। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इसकी महल की खूबसूरती है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ये अभी हम इसकी सेकंड इमारत पर ही है यानी कि सेकंड वाली जो मंजिल है दोस्तों, ये दूसरी मंजिल पर ही अभी हमें, फिर यहाँ से हम जाएंगे इसकी तीसरी मंजिल पर। तो यहाँ से चले गए दोस्तों हम, यहाँ पर एक अगला कक्ष बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिए इस कक्ष को, और थोड़ा दोस्तों काफ़ी ये जर्जर हो चुका है, यहाँ पर आप भी इसको देख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप इसकी मतलब अंदर की डिज़ाइन को देखिए, कितनी इस पर शानदार डिज़ाइन बनी हुई है। तो सोचिए आप ये पहले कितना खूबसूरत लगता होगा। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर बैठा है कबूतर का बच्चा, तो जिसको हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना क्योंकि ये जो यहाँ पे छोटी सी गैलरी बनी है ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और जिससे जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप यहाँ आए तो इस पर बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे, और आगे बहुत ही आपको खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है दोस्तों। चलिए
तो दोस्तों ये ऊपर है इसकी तीसरी मंजिल, लेकिन अभी हम जाएंगे सामने इस दूसरी मंजिल पे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, सामने भी जो है और वहाँ पे भी कक्ष बने हुए हैं, तो अभी हम चलेंगे वहाँ आगे। सच में दोस्तों आपको बता दूँ, आपका भी दिल खुश हो जाएगा दोस्तों यहाँ आकर, क्योंकि महल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है गाइस। उस समय की खूबसूरती ना कितनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी ना दोस्तों, आप भी इमेजिन करके देखिए कि इतनी खूबसूरत सी जगह और उस पे रोशनदान लगे हुए, उस पे चराग लगे हुए हैं रात की अंधेरी चांदनी में। आप सोचिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कितना खूबसूरत लगता होगा उस समय। दोस्तों ये कक्ष आप देखिए कितना ज़्यादा शानदार और खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये जो इमारत है ना गाइस, ये बनी है ईंट चूना और पत्थर से, जो कि देखिए कितनी शानदार और खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ से दोस्तों हम आगे जाएंगे इसके अगले कक्ष में, तो सेम मतलब इसी तरह की अंदर भी डिज़ाइन बनी हुई है, कारीगरी बनी हुई है। ये देखिए आप, तो चारों तरफ है रोशनदान यहाँ पे बने हुए हैं। अब फाइनली हम चले गए दोस्तों यहाँ की तीसरी मंजिल पर। तो ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ हैं। तो इस सीढ़ियों के माध्यम से दोस्तों हम जाएंगे सबसे इसके लास्ट वाले तीसरे मंजिल पर, तीसरे फ्लोर पर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इसके तीसरे फ्लोर पर, और यहाँ से आप देखिए दोस्तों हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, एकदम थर्ड फ्लोर तीसरी मंजिल। आप ये देख सकते हो कितनी ऊँचाई है दोस्तों यहाँ से। और ये जो इस महल पर जो गुंबद बना हुआ है दोस्तों, ये उल्टे कमल के फूल से बनाया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ आप देखोगे इसकी जो ऊपर की डिज़ाइन है वो है ईंट और चूना मिक्स करके बनाई गई है, और जो नीचे का है जो न्यू है वो पत्थरों से बनाई गई है, आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली जो है हमारा मोती महल पूरा जो है एंड हो चुका है। दोस्तों आपका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहता है दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी और कुछ आगे करने की और मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक शानदार सी बहुत ही खूबसूरत जगह के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।